हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ एम्ब्रॉयडरी। आज मैं आपको इस डिज़ाइन को बनाना सिखाऊंगी, वो भी बुलियन स्टिच से, बिना पैटर्न के। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से सुई को निकालेंगे और एक पॉइंट के बराबर यहाँ से यहाँ तक एक टांका लेंगे। इसके बाद इस सुई को ऐसे रखेंगे और इस धागे को सुई के ऊपर लपेटेंगे हल्के हाथ से, ताकि जब इन टांकों को निकाले सुई के अंदर से तो आसानी से निकल आए। और फिर इसके बाद इस सुई को ऐसे ऊपर निकाल लेंगे। इसके बाद इन धागों को ऐसे ही नीचे करेंगे। इस तरह धागे को सेट हो जाने के बाद यहाँ सुई को ऐसे नीचे ले जाएंगे। फिर से एक और लूप बनाएंगे इसी तरह। यहाँ से सुई निकालेंगे और एक पॉइंट के बराबर यहाँ से यहाँ तक टांका लेंगे। इस धागे को ऐसे उंगलियों से पकड़ के रखना, ताकि हमारी ये जो लूप है वो ज़्यादा ढीले ना हो। और अब इसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक टांका और लेंगे। और धागे को नीचे ले जा करके बांध देंगे। अब ये जो हमारी कलियाँ हैं, ये फूल की तीन कलियाँ हैं, वो भी इस तरह बनाई हैं। और जब आप इसके टांके लोगे तो कैसे लेने हैं, वो इस तरह से लेने होंगे आपको, एक यहाँ, एक ऐसे और एक ऐसे, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, तब आपका ये फूल इस तरह बन जाएगा। फ्लावर बनाने के बाद यहाँ पर बीच में टांके बनाएंगे ऐसे करके, और फिर उसके बाद यहाँ से सुई को निकालेंगे और यहाँ तक एक टांका देंगे, यानी कि इसको स्ट्रेट स्टिच से बनाएंगे। अब बनाएंगे फ्रेंच नोट स्टिच को इन पत्तियों के किनारों पर। सुई को यहाँ से निकालेंगे, धागे को उल्टे हाथ में पकड़कर सुई के ऊपर एक बार लपेटकर और यहीं से वापस सुई को ऐसे नीचे ले जाएंगे और धागे को हल्के हाथ से खींचेंगे। ये बन जाता है हमारा फ्रेंच नोट स्टिच।
और इसी तरह इन फूलों के बीच में भी फ्रेंच नोट स्टिच को बना लेंगे। बस यहाँ पर फ्रेंच नोट स्टिच बनाते समय हम धागे को दो बार लपेटेंगे। आप चाहे तो तीन बार भी धागे को लपेट सकते हो। अब ये हमारा फ्लावर डिज़ाइन बन करके तैयार है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप मेरी आने वाली सभी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।